देवरा मूवी की एंडिंग इतना तगड़ा सस्पेंस छोड़ेगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो जो लोग भी देवरा मूवी को थिएटर में देखने जाने वाले हैं या फिर देखकर आ चुके हैं, आई नो वो इसकी एंडिंग से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम है ना। तो आज की इस वीडियो में हम देवरा मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देवरा मूवी की एंडिंग से दो बहुत ही बड़े सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला सवाल, आखिर देवरा के बेटे बरा ने सबको मारने के बाद खुद को घायल क्यों किया। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से, वो क्या है आगे सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन और उसकी एंडिंग को लेकर। तो वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़ना। इसकी एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि देवरा के डर से काफी समय से लोग समुद्र में नहीं उतरे थे, लेकिन एक अरसा बीतने के बाद मींस लगभग 12 साल बाद वो लोग इस हिम्मत को फिर से जुटाते हैं समुद्र में उतरकर उस इलीगल काम को करने की, क्योंकि उनके अंदर से देवरा का डर अब खत्म होने लगा था, क्योंकि लोग ये मान चुके थे कि देवरा मर चुका है। लेकिन इस डर को जिंदा रखने के लिए हमारे देवरा का बेटा बरा अभी जिंदा होता है। तो जो लोग समुद्र के अंदर उतरते हैं, वरा उन सबको एक एक करके मार देता है, लेकिन गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि देवरा अभी भी जिंदा है और उसने सबको एक एक करके जान से मार दिया है। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि आखिर सबको मारने के बाद बरा ने खुद को घायल क्यों किया। उसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक्चुअली में बरा ने खुद को घायल इसीलिए किया कि लोगों के दिमाग में और दिल में ये बसा रहे कि आज भी देवरा जिंदा है और इन लोगों को वरा ने नहीं बल्कि देवरा ने मारा है और उसने अपने बेटे तक को घायल कर दिया, तो समुद्र में कोई नहीं उतर सकता। तो इसका एक ऑफिशियल पोस्ट क्रेडिट सीन इन लोगों ने नहीं रखा, जबकि इन्हें रखना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो इन लोगों ने पहले ही दिखा दिया। क्योंकि एंडिंग में जब वो पुलिस वाला पूछता है कि आखिर इतनी किसकी हिम्मत हुई कि वो देवरा को मार सकता है, तब हमें वो ग्लिम्प्स दिखाया जाता है कि देवरा के सीने में खंजर उतारने वाला और कोई नहीं बल्कि बरा है। आखिर देवरा को बरा ने क्यों मारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकल कर आता है। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल में देवरा को उसके बेटे बरा ने उसके ही कहने पे मारा था, क्योंकि देवरा ने जब अपने गांव वालों का खून बहाया तो वो ये समझ गया कि ये लोग नहीं सुधरेंगे और एक एक करके मुझे इन लोगों का ऐसे ही खून बहाना पड़ेगा, और ये चीज बिल्कुल सही नहीं थी। इसीलिए वो उनके दिल में एक डर पैदा करना चाहता था और उसके लिए उसे अपनी जान देकर वहां से गायब होना पड़ता। इस वजह से उस डर को कायम रखने के लिए उसने खुद को मारा और उस पत्थर पर लिखा छोड़ दिया कि अगर कोई समुद्र में उतरा तो उसे देवरा का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते गांव वाले बहुत ही ज्यादा दहशत में आ गए और 12 साल तक उस समुद्र पर कोई नहीं उतरा। और जब 12 साल बाद किसी ने हिम्मत की तो फिर बरा ने देवरा बनकर सबको मार डाला। तो ये थे हमारे दोनों सवालों के जवाब। अब यहीं से एक और चीज जन्म लेती है कि आखिर पार्ट टू में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि देवरा का तो ऑफिशियल मर्डर हम लोगों को दिखा चुके हैं, जहां से देवरा बिल्कुल भी जिंदा नहीं हो सकता, ये चीज तो उन्होंने कंफर्म कर दी। अब यहीं तो सस्पेंस बनाना था, अगर ये लोग नहीं दिखा रहे तो हमें तो बस ये समझ में आता कि देवरा हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं, अब हमें बरा ही देखने को मिलेगा। अब ये हमें सेकंड पार्ट में क्या स्टोरी दिखाएंगे ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर जानना चाहते हैं कि हमें सेकंड पार्ट में क्या दिखाएंगे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी बन रही है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट टू जरूर लिखिएगा, और अगर तुम्हें पता है कि इसके पार्ट टू में क्या होने वाला है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।